इलाज के अभाव में अधेड़ ने तोड़ा दम। 3 घंटे तक तहसील गेट पर पड़ी रही लाश। कूड़ा वाहन में कूड़े की तरह लाद कर लाश को ले गई नगर पालिका वाहन। बलरामपुर जनपद के अंतर्गत उतरौला नगर पालिका में स्थित तहसील गेट पर इलाज के अभाव में तड़पता रहा व्यक्ति। समय से नहीं मिला इलाज तो हुई मौत। व्यक्ति की पहचान झिनकन उर्फ अनवर अली पुत्र बकरीदी थाना सादुल्ला नगर के ग्राम पंचायत सहजौरा के रूप में की गई है। काफी समय बाद हरकत में आया प्रशासन। तब चौकी प्रभारी अपनी टीम के साथ पहुंचे, लेकिन नगर पालिका के लोग नदारद दिखे, जिसके बाद प्रशासन द्वारा नगर पालिका के कर्मियों को बुलाकर कूड़ा वाहन में मृतक की लाश को कूड़े की तरह लादकर ले जाया गया और लाश का पंचनामा कराकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। आखिर कहां चले गए वो समाज सेवी जो 1 किलो राशन बांटकर गरीबों के मसीहा बनते थे। लानत है ऐसे जालिम समाज सेवियों पर जो समाज के काम ना आ सके। ये घटना उतरौला तहसील गेट के सामने की है, जहां पर आपको बड़े बड़े वकील, नेता, अधिकारी, पत्रकार सभी मिलेंगे, लेकिन इस वक्त सब रफू चक्कर है। ऐसी घटना होने पर तो लोगों को चंदा इकट्ठा करके इस लाश को सम्मान पूर्वक उसके घर पहुंचा देना चाहिए। उतरौला तहसील गेट के बाहर पड़ा शव उठाने के लिए नगर पालिका परिषद उतरौला की गाड़ी आई है, जिसे कुछ व्यक्ति पकड़कर वाहन में लाद रहे हैं। मैं पूछता हूँ, ये क्या हो रहा है? कहाँ गए वो समाज के बड़े बड़े समाज सेवी जो कोरोना योद्धा का प्रमाण पत्र लेकर घूम रहे थे, 1 किलो राशन बांटकर समाज पर एहसान जता रहे थे? शासन प्रशासन भी खामोश होकर ये तमाशा देख रहा है। इंडिया टाइम्स समाचार एजेंसी ऐसी घटनाओं की घोर निंदा करता है।